फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं तो ठीक ही हूँ और दो दिन के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कैसे वीडियो बनाए फ्रेंड्स। और ये जो है ना, वो सजेस्टेड वीडियो है फ्रेंड्स। और ये इस वीडियो पे रिएक्शन देने का सजेशन आया है सार्थक जी की तरफ से। और इस वीडियो का टाइटल है फ्रेंड्स, राजपूत और मराठों में समानता, यानी राजपूत और मराठा में क्या समानता है, उसका ये वीडियो है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओरिजिनल वीडियो को देखो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड। मेरा वीडियो देखो, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट्स भी करो और लाइक तो करना ही करना है। तो आइए पहले देख लेते हैं हम ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। वन टू थ्री स्टार्ट। मराठा कौन है, राजपूत कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या दोनों जातियाँ एक ही है? जी हाँ, राजपूत और मराठा एक ही जातियाँ हैं, लेकिन क्षेत्र अनुसार नाम अलग अलग हो गए। कैसे? मराठों की उत्पत्ति महाभारत युद्ध के पश्चात मानी जाती है, जिनकी व्यास ऋषि, सुख ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, वामदेव ऋषियों ने सूर्य वंशों से ही मराठों की उत्पत्ति की है। जबकि राजपूत महाभारत और रामायण के क्षत्रिय के मूल वंशज हैं। मराठाओं का मूल वंश है सूर्य वंश, और मराठा और राजपूतों को द्वापर युग में सूर्यवंशी ही कहा जाता था। इनके मूल पूर्वज एक ही हैं, उत्तरी भारत के क्षत्रियों को राजपूत तथा दक्षिणी भारत के क्षत्रियों को मराठा कहा जाने लगा। सभी जातियों में गोत्र होते हैं, जबकि मराठा और राजपूतों में कुल होते हैं। राजपूतों को 36 तथा मराठाओं को 96 कुलों में विभाजित किया गया है। बाद में क्षेत्र, भाषा, वीरता के अनुसार हजारों सरनेम बना दिए गए। राजपूतों और मराठाओं में राणा, राणे, भोंसले, सिंधे, सिसोदिया, सिसोदे, ठाकुर, ठाकरे, राठौड़, राष्ट्रकूट, चौहान, चव्हाण, पंवार, परमार, सोलंकी, सालुंके, निकुंभ, निकम, भागावत, शेखावत, मोरे, मौर्य आदि वंश और सरनेम में भी बिल्कुल समानता है। मराठाओं और राजपूतों को क्षेत्र तथा फूट डालकर अलग किया गया, क्योंकि ये दोनों जातियाँ एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। जब हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने शासन किया, तब फूट डालने की नीति से अलग अलग कर दिया गया और भाई को भाई से ही लड़वा दिया। महाभारत के युद्ध के पश्चात सभी राजपूतों को भारी जान माल की हानि हुई, जिससे अपना अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजपूत और मराठा आपस में ही लड़ पड़े। नतीजा ये हुआ कि कुछ सूर्यवंशियों से मराठा बन गए और सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशियों से राजपूत बन गए, जो कि केवल क्षेत्र के हिसाब से बटे थे कि उत्तरी भारत के क्षत्रिय राजपूत तथा दक्षिणी भारत के क्षत्रिय मराठा बन गए। राजपूतों में सिंह अथवा राणा नाम के साथ लगाया जाता है, वही मराठाओं में राव अथवा राजे लिखा जाता है, जिनका मतलब समान है राजा। मराठा और राजपूत सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक हैं, लेकिन मराठा और मराठी अलग अलग हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति मराठी है लेकिन मराठा नहीं। महाराष्ट्र में केवल 40% 96 कुली मराठा हैं। उत्तरी भारत के राजपूत अपना राज्य विस्तार करने के लिए दक्षिणी भारत में जाने लगे और वहाँ जाकर सभ्यता और भाषा का पालन किया, और वे राजपूत भी मराठा कहलाए। वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज भी स्वयं राजस्थान के मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत वंश से थे, जिन्होंने महाराष्ट्र जाकर स्वयं का भोंसले वंश चलाया और मराठा कहलाए। यदि आज राजपूत और मराठा एक हो जाए तो पूरी दुनिया को बस में करने की एक तरफा ताकत रखते हैं। इनका जोश और जज्बा देखने को बनता है। यदि इतिहास से राजपूत और मराठाओं का इतिहास निकाल दिया जाए तो केवल और केवल खाली पन्नों के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ब्राह्मण जाति सर्वदा इनके साथ है। ये जातियाँ एक दूसरे के बिना अर्थहीन है। भारतीय संस्कृति बनाने में ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है।
और मराठा व राजपूतों ने सदैव धर्म की रक्षा की है, इसीलिए तो इन्हें धर्म रक्षक कहा जाता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय राजपूताना। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। ऐसे ही राजपूतों से संबंधित जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी। हाँ फ्रेंड्स, तो ये है जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो राजपूत और मराठा में क्या समानता है, यानी वो समानता नहीं फ्रेंड्स, वो बोले एक ही है। राजपूत और मराठा जो है फ्रेंड्स, एक राम भगवान के समय में एक का मतलब जन्म हुआ है और एक का जो है महाभारत के यानी कृष्ण भगवान के टाइम में जन्म हुआ है। मतलब इस हिसाब से मराठा और राजपूत इसी हिसाब से दोनों को समान सम्मान बताया गया है फ्रेंड्स। और पता है ये जो जब भी मैं भी इस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ फ्रेंड्स, तो जो कमेंट्स में काफ़ी आप भी आपस में बहस मतलब छेड़ते हो कमेंट्स के थ्रू के मराठा, कोई बोलते हैं, कोई कमेंट्स करते हैं कि मराठा और राजपूत एक ही है, कोई बोलते हैं अलग है फ्रेंड्स। इस हिसाब से आप भी कमेंट्स के थ्रू बहस छेड़ क्या बोलते हैं बहस छिड़ते हो। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के माध्यम से हमको बताया गया कि दोनों एक ही है फ्रेंड्स। और छत्रपति शिवाजी महाराज बोले सिसोदिया वंश से है, तो सिसोदिया वंश से तो फ्रेंड्स महाराणा प्रताप जी भी है ना। और मराठा और मराठी इन दोनों में डिफरेंस बताया गया कि बोले कि जिस जो छत्रपति शिवाजी महाराज बोले कि सिसोदिया वंश से थे और वो जब महाराष्ट्र की तरफ उस तरफ तो डेक्कन हुआ करता था, महाराष्ट्र बाद में बना, तो उस तरफ गए तो उसने भोसले वंश चलाया फ्रेंड्स। और वो फिर मराठा के हिसाब से प्रसिद्ध हो गए इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड, ये बोलने का तात्पर्य है। मतलब लॉजिक भी इसमें बताया गया, सरनेम वाइज भी इसमें काफ़ी बताया गया, तो लॉजिक है इस वीडियो में, लॉजिक बताया गया है फ्रेंड्स। मैं मेरा बोलूँगी, मैं इतना इतिहास नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स मराठों और राजपूत का, जो शुरू से जो इतिहास है वो फ्रेंड्स मेरे को नहीं मालूम है फ्रेंड्स। हाँ लेकिन हम सूर्यवंशी ये हम सुनते हैं, राम भगवान को हम सूर्यवंशी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो बोले कि मराठा की जो उत्पन्न है उधर से हुई है, और राजपूत जो थे फ्रेंड्स वो चंद्रवंशी ऐसे बोला गया ना इसमें, तो वो फिर बोले कि इसमें है कृष्ण भगवान के टाइम में आए। और इसमें एक और बताया गया फ्रेंड्स के जो मराठा है फ्रेंड्स, वो उनके जो मतलब 96 जातियों में मतलब जाति नहीं, वो इस हिसाब से है। और जो राजपूत है वो 36 मतलब ऐसे जाति मिलके राजपूत और मराठा ऐसे बनते हैं, इस हिसाब से हमको इसमें बताया गया। और बकायदा इसमें लॉजिक भी बताया गया है फ्रेंड्स। और लेकिन आज तक मैंने मराठा और राजपूत दोनों का जब संग में वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, तो दोनों में एक ही तात्पर्य निकला है फ्रेंड्स कि इन दोनों को हमेशा जो आज भी मैं कमेंट्स के थ्रू पढ़ती हूँ, काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे है कि भाई नहीं राजपूत मराठा दोनों अलग है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो हमारे मराठे से आते हैं, या फिर महाराणा प्रताप जी है वो हमारे राजपूत से आते हैं, या छत्रपति शिवाजी महान है या राजपूत महाराणा प्रताप जी महान है फ्रेंड्स। ऐसे मैं कमेंट्स के थ्रू वो मतलब पढ़ती हूँ आप लोगों के फ्रेंड्स। तो मैं बोलूँगी ना फ्रेंड्स कि ठीक है आपकी जो भावना है उसका हम सम्मान करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप ऐसे डिवाइड मत करो फ्रेंड्स। यही ये जितने भी वीडियो पे मैंने सजेशन दिया है, वो जितने भी जो लोग वीडियो बना रहे हैं उसका तात्पर्य लास्ट में एक ही निकलता है कि दोनों हमारे लिए फ्रेंड्स एक समान ही है। और आप कभी भगवान को बांट सकते हो, आप तुम्हारा भगवान मेरा भगवान, आपका भगवान मेरा भगवान नहीं ना। हम राम भगवान को बांट सकते नहीं, बांट सकते आप भी जय श्री राम बोलोगे मैं भी जय श्री राम बोलोगे, हम कृष्ण भगवान को नहीं बांट सकते, आप भी जय श्री कृष्ण बोलोगे मैं भी जय श्री कृष्ण बोलूँगी फ्रेंड्स।
तो भगवान को आप बांट नहीं सकते। तो ये जो लेजेंड है ना फ्रेंड्स, वो हमारे वो बहुत पूजनीय है, वो जो वो उनके बलिदान को हम बांट नहीं सकते फ्रेंड्स, तेरा मेरा नहीं कर सकते। तो ये जब कमेंट्स पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा दुख भी होता है हाँ, कि मतलब और यही चीज़ पहले भी मतलब मुगल जो आए फ्रेंड्स, वो फूट डालो राज करो, वही चीज़ हम लोगों में उन्होंने पहले से नोटिस करी और फूट डलवा दी। वही फूट अभी मैं कमेंट्स के थ्रू काफ़ी देखती हूँ, पढ़ने में मेरे को आता है फ्रेंड्स। तो यही सब चीज़ों का तो फ़ायदा उठा उठा के बाहर के जो लोग हैं वो बहुत फ़ायदा उठा के गए हैं हमारे इंडिया से। और यही चीज़ को दूर करने के लिए तो हमारे लेजेंड जो थे फ्रेंड्स वो मैदान में उतरे थे, यही सब चीज़ तेरा मेरा करने से फ्रेंड्स। तो हमको भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उससे क्या है ना, फर्स्ट तो फ्रेंड हमारा इंडिया का अपमान होता है, दूसरी बार हम जो भगवान समान हमारे पूजनीय लेजेंड है ना उनका फ्रेंड्स अपमान हो जाता है ऐसे, उनका तेरा मेरा करके नहीं हमको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से फ्रेंड्स। मैं आपको एक भी ये भी चीज़ बोलूँगी कि मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये सब देखती हूँ ना तो मेरे को बहुत दुख लगता है फ्रेंड्स तेरा मेरा। और इस वीडियो का भी फ्रेंड्स, इस वीडियो ने आगे मैंने जितने भी वीडियो बनाए सब में एक ही तात्पर्य निकला है कि फ्रेंड्स जो जो बाहर से इंडिया को बर्बाद करने वाली ताकतें आई ना फ्रेंड्स, वो सब यही हम लोगों में नोटिस किया था। इसीलिए फ्रेंड्स अंग्रेजों का भी ये माना जाता है कि फूट डालो राज करो, और मुगल ने जो ये दोनों भाई भाई को लड़वा दिया था फ्रेंड्स, तब से लेके आज तक हम लोग यही कर रहे हैं, राजपूत मराठा दोनों एक ही है फ्रेंड्स। और हमको दोनों को फ्रेंड जैसे मैं बोली फ्रेंड भगवान में हम फ़र्क नहीं करते, तो इन दोनों में भी हमको फ़र्क नहीं करना चाहिए। और इसमें एक बात बहुत ही सुंदर बोली गई कि अगर इंडिया का इतिहास आप खोले ना फ्रेंड्स, अगर इन दोनों को निकाल देना है तो आपको कोरे पत्ते ही मिलेंगे। मतलब जो हमारा इंडिया का इतिहास है वो इन दोनों जाति और इन दोनों में जो अपने हमारे लेजेंड हो गए हैं उन ही गौरव गाथा से हमारा इतिहास पूरा भरा पड़ा है फ्रेंड्स। तो हमको उस इतिहास पे प्राउड करना चाहिए। और एक बात मैं बोलूँगी, जो हम कर रहे हैं आज तेरा मेरा जो हम कर रहे हैं ना फ्रेंड्स, यही सब चीज़ हमारे जो लेजेंड है ना उन्होंने कभी नहीं किया। अगर वो आज करते ना ये सब चीज़ें, उन्होंने कभी अपने लिए नहीं सोचा या उन्होंने कभी एक क्षेत्र के लिए नहीं सोचा, वो सोचते थे हमेशा भारत माता के लिए फ्रेंड्स, यानी सबको साथ में लेके वो चलते थे फ्रेंड्स। आप जितना भी महाराणा प्रताप जी का भी इतिहास टटोल लो और जितना भी आप छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास टटोल लो और उनके अलावा हमारे जितने भी लेजेंड हो गए फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स अपनी भारत माँ के लिए ही लड़ते थे, अपनी धरती के लिए। वो कभी ये नहीं बोलते थे कि ये जो है वो मेरी धरती है, ये जो मतलब एक पर्टिक्यूलर एक एरिया के लिए नहीं लड़ते थे वो। तो उन्होंने कभी फ़र्क नहीं किया आपस में, तो हम लोग क्यों करें फ्रेंड्स। तो मेरे को तो ये जो वीडियो है वो वाकई में मेरे को तो लॉजिकल लगी फ्रेंड्स। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मैं मराठा और राजपूत का शुरू से इतिहास नहीं जानती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ये वीडियो में काफ़ी लॉजिक भी बताया गया है, तो मेरे को तो वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और आपको भी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के फ़र्क मत करिए फ्रेंड्स, लेजेंड हमारे भगवान है और भगवान को सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में कभी बहस नहीं की जाती फ्रेंड्स, तेरे मेरे नहीं की जाते, भगवान को सिर्फ दो हाथ जोड़ के सिर झुका के नमन किया जाता है। तो ये सब लेजेंड है, वो हमारे भगवान है, तो उनको नमस्कार करो फ्रेंड्स, तेरा मेरा मत करो फ्रेंड्स। तो मेरे को तो वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी, आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। और सार्थक जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा वीडियो ये था फ्रेंड्स। आगे मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उस पे ये वीडियो बनाना बनता था, तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे ऐसे ही किसी लेजेंड के वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।